कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की चंडी वार्ड में जिला परिषद सदस्य व जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज कुमार पिंकू ने कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। पंकज कुमार ने पूछा कि क्या सरकार ऑफलाइन एग्जाम लेकर कोविड की तीसरी लहर को बुलावा देना चाहती है या स्टूडेंट्स को टेस्टिंग के रूप में रखा गया है। स्टूडेंट्स की मांगे जायज हैं और इस पर सरकार को शीघ्र फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वर्ष 2022 दूर नहीं, क्योंकि इस दौरान प्रदेश की युवा शक्ति अपना जवाब देगी। इसके अलावा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ये भी मांग करती है कि कोविड की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता को खोया है उनकी 1 साल की फीस माफ की जाए। प्रदेश सरकार पर स्टूडेंट विरोधी होने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के जयराम सरकार जल्द से जल्द स्टूडेंट्स की मांगे माने, इसके लिए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इसी के चलते रविवार को यज्ञ का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। कई जगहों पर इंटरनेट की समस्या होने के चलते स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में पहले बच्चों को सिलेबस पूरा करवाया जाए और एग्जाम भी ऑनलाइन लिए जाएं। सरकार ऑफलाइन एग्जाम की बात तो कर रही है, ऐसे में पहले सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन भी लगाई जाए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज हमारा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का छठा दिन है। छठा दिन भूख हड़ताल का है, क्रमिक भूख हड़ताल का। तो प्रशासन और सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी है। आपको पता, हम डीसी ऑफिस के नीचे ही बैठे हैं। यहाँ पर डेली से 10 बार डीसी साहब आते जाते हैं, एसडीएम साहब आते जाते हैं, एडीसी साहब आते जाते हैं, लेकिन किसी ने छात्र छात्राओं के लिए एक शब्द भी पूछना जायज़ नहीं समझा। और आपको बताऊं कि हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ हैं, वो छात्र और छात्रों की ही मांगे हैं, छात्र और छात्र हित की। हमारी जो मांगे थी, जैसे 3 मांगे हैं कि सबसे पहले तो हमारी की ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस जो लगी हैं उसका ढंग से अभी तक सिलेबस बच्चों का पूरा नहीं हुआ है। और हाँ, हमारा जो हिमाचल है वो 80% जो है वो आपको पता गाँव प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर नेटवर्क की बहुत तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आपको पता है ऑनलाइन जब क्लासेस ही पूरी नहीं लगी तो आप एग्ज़ाम्स कहाँ से, ठीक है, अगर ऑनलाइन आप क्लासेस बोल रहे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएँ। हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स लेना ही चाहते हैं, अगर आप बच्चों की जो है खतरे में बच्चों की जान डालना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को वैक्सीनेट करें। बच्चों को कम से कम एक डोज वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अभी तक 50% से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारी जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो सरकार क्या है, इनको टेस्ट के रूप में ये कर रही है, प्रयोग कर रही है कि थर्ड वेव देखते हैं, अगर हम बच्चों को टेस्टिंग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं सरकार से, आज हमने जो यहाँ पर यज्ञ किया है, सरकार की और प्रशासन की सद्बुद्धि लाने के लिए हमने हवन यज्ञ किया है, ताकि सरकार को जो है और हमारे प्रशासन को थोड़ी सद्बुद्धि आए, बच्चों के बारे में पूछें और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और बच्चों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा करें। पंकज जी, पिछले 6 दिन से जो क्रमिक भूख हड़ताल आपकी जा रही है और सरकार से डिमांड भी की जा रही है, ऐसे में सरकार अब डिमांड पर गौर नहीं करती है तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज जैसे कि आपने देखा छठा दिन है, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई ना मांगने आया ना पूछने आया। अगर सरकार ऐसे ही रवैया अपनाती रही, क्योंकि ये सरकार जो है ये एक छात्र छात्रा विरोधी सरकार है, विद्यार्थियों की विरोधी सरकार है, अगर नहीं मानती है सरकार तो आगे हमें इससे भी ज़्यादा पूरे प्रदेश में, जैसे आज हमने यज्ञ रखा तो कल और परसों हमारी आगे की रणनीति है। कल शायद हम, हो सकता है कि शव यात्रा निकालें, परसों हो सकता है कि एक बड़ा सा डेपुटेशन लेके डी साहब का घेराव करें। हमारी अभी रणनीति बन रही है इसी के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा जो यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल है, ये बच्चों के बिल्कुल जायज़ मांगों के लेके है, इसमें राजनीति का कोई तुक भी नहीं है। और मैं आपसे ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ABBP छात्र संगठन है या दूसरे छात्र संगठन है, किसी और चीज़ के लिए वो आगे आते हैं, तो ये तो छात्र छात्राओं का बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, तो इसमें हमारा खुल के साथ दें और जयराम सरकार आगे आके कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं की मांगें पूरी करें।